रसोई में तो स्टिंकी बॉम्ब कोई नहीं रखता, गंद वाला शीट तो कोई नहीं रखता है, लेकिन एक बार चेक करना तो बनता है बॉस, तो हम लोग जरूर चेक करेंगे यहाँ पे। अभी लास्ट टाइम मुझको यही, अरे यार ये घर के पीछे ही खिड़की, मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे पक्का विश्वास था कि करेगी नहीं कुछ। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और स्कैरी टीचर 3D का एक और नया एपिसोड, एक नया चैप्टर का गेम प्ले लेके आ गए हैं हम लोग। और हर बार की तरह ये भी ज़बरदस्त होने वाला है, एटलीस्ट देखने में तो मज़ेदार होने ही वाला है। एक बार चैप्टर की तरफ नज़र करते हैं, तो चैप्टर नंबर 13 है ये, स्टिंकी सोना। अब सोना कितना सोना है वो आज मालूम पड़ जाएगा कितना है, तो चलिए शुरू करते हैं उसके ऊपर, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। मुझे इतना मालूम है कि जो सोना बाथ है ना, ये वो उनके ऊपर वाले बाथरूम में तो नहीं है, क्योंकि सोना बाथ के लिए भाई इनके घर में दो बाथरूम है, एक बाथरूम जो नॉर्मल इनका पानी वाला है वो है, दूसरा बाथरूम बंद रहता है, तो कहीं और ही होगा ये बाथरूम जो है सोना बाथरूम। कह रहे हैं कि बॉम्ब डालना है उसमें, स्टिंग बॉम्ब, जो गंद वाला बम आता है ना, और उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है, मिस्टी की पर्सनालिटी को सूट करता है ऐसा गंद वाला बम है। तो चलिए गंद वाले बम को हम डालते हैं, और इन्होंने लगता है अपना नया सोना बाद हमें दिखा दिया है। अच्छा हाँ, इनके घर के पीछे की तरफ है भाई, हाँ स्विमिंग पूल भी है और वो भी है। ये हम लोगों ने पिछली बार हम लोग जा चुके हैं एक दो बार, जब नए नए थे गेम में, तो जब इनका घर का तलाशी कर रहे थे तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अब हमें ढूंढनी है एक ऐसी चीज जो इनके बात की हालत ख़राब कर दे। अब बात को ख़राब करने के लिए भाई क्या होगा, इनको चाहिए, इन्होंने कहा था स्टिंकी बॉम्ब। अब रसोई में तो स्टिंकी बॉम्ब कोई नहीं रखता, गंद वाला चीज तो कोई नहीं रखता है, लेकिन एक बार चेक करना तो बनता है बॉस, तो हम लोग जरूर चेक करेंगे यहाँ पे। अभी लास्ट टाइम मुझको यही, अरे यार ये घर के पीछे ही खिड़की, मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे पक्का विश्वास था कि करेगी नहीं कुछ। ये लोग कहते हैं भाई किसी भी घर के अंदर घुसने से पहले उस घर का नक्शा अपने पास रख लो, मन में कम से कम नक्शा रखो। लास्ट टाइम जिस तरह से मरा ना यार, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे, मैं ध्यान से निकल गया कि वो रास्ता कनेक्टेड है। अब मैं ये बेवकूफ़ी थोड़ी ना करूंगा, अब मैं रसोई में चेक ही नहीं करूंगा, मैं पहले यहाँ सब चेक कर लूंगा और उसके बाद मैं स्टिंकी बॉम्ब ढूंढूंगा। यहाँ पे लॉक पिन ले लेता हूँ, मैं काम आ सकती है। अब इस वक्त वो आराम से कर रही है एक्सरसाइज। बोलो, पिछली बार जब हम लोग फंस गए थे इनके चक्कर में, ये बाहर का दरवाजा ना हो, अभी तक तो इनके घर में मुझे कुछ ऐसा बॉम्ब बॉम्ब मिला है नहीं। ये कहीं से आ रही रसोई के कमरे में है इतना मुझे पता है, और ये रसोई के कमरे से बाहर निकलने वाली हैं। ये बाहर निकले उससे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ अपनी जगह से, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाऊँगा। फिर हम लोग बाहर आ गए हैं, वो लगता है कमरे के अंदर ही जा रही है किसी, जहाँ पे हम लोग अभी होके आए हैं वो देखो वो रही। चले जान दो उनको भाई, चले जान दो मिस्टी को। मैं अब कहाँ सर्च करूँ, यहाँ पे एक बार सर्च कर लूँ क्या, अगर नीचे का फ्लोर जो है वो क्लियर हो जाए। इनको सोना कितना सोना है वो अब इनको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, सोना बाद जो लेने जा रही है ये कितना अच्छा है। यहाँ पर मिल गया है हमें स्टार, और आरी मैं ले रहा हूँ, अब मुझे पता है कुछ काम की तो होगी नहीं आ रही, और कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पर टेप है, लेकिन टेप में गाना बजेगा तो मिस्ट्री दौड़ के आएंगी इस तरफ, बस इसका यही यूज़ है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ यूज़ है। रसोई में वापस आ गए हम लोग, ये सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं ऊपर, तो एक चीज़ क्लियर है कि मुझे ऊपर की तरफ नहीं जाना है। कई लोग बोलेंगे भाई तू वो वाली पीछे भी तो अलमारियाँ हैं वो क्यों नहीं देख रहा, भाई मैंने सारी अलमारियाँ पहले खोल चुका हूँ, मुझे मालूम है कहाँ क्या होगा। यहाँ पर जेलो था लास्ट टाइम, उसके अलावा यहाँ पर लास्ट टाइम क्या, अब कभी कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पर, तो माचिस किसी काम की है नहीं और कुछ काम का लग नहीं रहा है, तो अब ऊपर हम बाद में जाएंगे। एक और जगह है यहाँ पे मैं बताता हूँ, अरे कैमरे में बग आ जाता तो ऐसे ही घुस जाता है, यहाँ पर भी एक जगह है। अरे फिर ऊपर पहुँच गए हम लोग, और जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ हमें कुछ मिला है,
और वो वहाँ पर गंगनम डांस कर रही है, पगला पगली औरत, पगली टीचर हमारी। अब ये खुफिया घर है, खुफिया घर में हम लोग पहुँच तो गए हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता वही है कि कहीं और भी जा सकते हैं वो मुझे नहीं पता। नीचे आ रही है, मैं उससे पहले क्या करूँगा, रसोई में से कूद कर बाहर निकल जाऊँगा। और इनके सोनाबाद मेरे सामने ही है, किस्मत देखो बच्चे निकल के कूद जाए। अरे कूद यार, बहुत बढ़िया। हाँ एनर्जी थोड़ी डैमेज हुई है, ये सिंपल सी बात है भाई, सीढ़ी है तो सीढ़ी से ही हम जाएंगे अंदर और सोनाबाद को लेंगे अपने हाथ में। मुझे एक और जानना है चीज कि भाई अगर, अरे जल्दी कर भाई, वो आ जाएगी नहीं तो ड्रॉप कर दिया। मैं भी अंदर जा सकता हूँ यार, मैं भी अंदर जा सकता हूँ, लेकिन लगता है उसने देख लिया क्या। ओए ये क्या है, ये तो पहले ही उसने देख लिया, पकड़ लिया है हमको। फटाक से दौड़ूंगा, मुझे नीचे जाना है, नीचे की तरफ से उठाना है। जैसे अंदर आएंगे वैसे मैं बाहर चला जाऊंगा और हम लोग एक दूसरे का उल्टा करके। अब बस एक डाउट है मेरे को, देखो इसका भी यूज़ होने वाला है कुछ ना कुछ, बिना वजह रखा है ऐसा नहीं हो सकता। ये यहाँ पर भी गेट है क्या? नहीं, वो अंदर आ जाए बस, मुझे उसका इंतजार है। नीचे ना आए बस, अंदर आ जाए चलेगा, नीचे ना आए बस। अभी बाहर ही हैं तो हम बाहर निकल नहीं सकते। यहाँ पे सोना बात लेने में घुस गई अंदर। अच्छा हाँ, ये बात लेती रहेगी तब करना है क्या? अरे हाँ यार, ये बात तो हमने भी नहीं सोची भैया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात ले रही हो तभी हम लोग अंदर डाल दें। अरे यार, ये दिमाग था, ये लॉजिक था, सही है यार। हम लोग तो भरोसे रहे थे कि वो रख के जाएंगे और करेंगे। हम लोग यहाँ पर बना तो दिया है उल्लू, लेकिन अबे चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई भाई कि क्या हुआ अभी, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है अरे यार लॉक करके बैठी है, ऐसे ही एनर्जी नहीं है मेरे पास। अरे बाप रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे चाबी मिल तो जाती है, लेकिन समय बिगड़ रहा है, एनर्जी जा रही है मेरी। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने उसको सोना बात जब वो ले रही थी तब भी मैंने मिस्टी को हैरान कर दिया है, और मिस्टी जब बाहर थी तब भी मैंने वो ड्रॉप करके देख लिया है। अब एक ही रास्ता रहता है, वो रास्ता ये है कि मैं भी उसमें कूद जाऊँ अंदर, मैं भी उसमें जंप कर डालूँ और फिर जंप करने के बाद एक्सपीरियंस करूँ कि क्या होता है। अब पहले तो मिस्टी को अंदर आन दो, ये सोना बात लेने ना चले जाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि तो अगर ये सोना बात लेना ले रही है, दरवाजा बंद करके बैठी है। अरे यार सोना बात ले रही है, अरे यार एनर्जी कम है, बाकी तो सोना बात ले जो लेना हो ले अपना, क्या अपने को तो सिर्फ तेरे को पानी निकालना है तेरे में से। अब इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो इंतजार कर रही है मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब इन्होंने बात तो ले लिया है, दिन में कितनी बार लेती है बात, पहले 9-10 चैप्टर तक इन्होंने एक बार भी बात नहीं लिया, फिर एकदम से इन्होंने 4 बार बात ले लिया पिछले 3-4 चैप्टर में, और बहुत लंबा वाला बात ले रही। मैं एक बार हेल्प रिवील करके देखता हूँ क्या होता है। अच्छा फर्स्ट लॉक द सोना डोर, ओके ये बात है भैया ये। अरे ये तो खुल गया, पागल है क्या? अरे रे हाँ हो गया लॉक, शायद लॉक तो कर दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है लॉक कर दिया है बाहर से। अब मैं फिर से ड्रॉप कर रहा हूँ इसको भाई, बहुत सॉलिड दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा यार। गंध तो मच गई है, लेकिन ये पगलाएंगी कि नहीं वो उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। लग तो रहा है फंस गई हैं। निकलने की कोशिश कर रही हैं और ये नहीं निकल पा रही हैं, मज़ा आ गया भाई। और रोडीज वाला सैल्यूट जाता है डेवलपर्स को, जो इतना गजब दिमाग लगाया है गेम में। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि यार बंदी निकल जा रही है, तो शायद बाहर से लॉक हो जाए तो काम हो जाएगा। तो ये था हमारा सोना बात, कितना सोना है वो आज इनको पता चल गया है मिस्ट्री को, और मेरे ख्याल से वो सोना कम करेंगी और देखते हैं आगे के चैप्टर में क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ समाप्त, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।